अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के फेडरल बोर्ड के मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की पेज नंबर 20 के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ यूनिक से प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेटेड अबाउट टू मॉडुलस। इससे पहले वाली वीडियो में आप मेरी वीडियो को सर्च करेंगे तो आपको मॉडुलस की वीडियो भी मिलेगी। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरी जो पहले मॉडुलस वाली वीडियो तो पहले वो देख लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिक्स हमारे पास, हम आगे इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। लास्ट में प्रॉपर्टीज़ का ओवरव्यू भी देंगे, ज़रा जल्दी जल्दी मैं उसको ओवरव्यू दूंगा। और अपनी जो 7th प्रॉपर्टी है फिर जस्ट मैं उसको डिस्कस करूंगा, वो 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें। तो फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर शॉर्ट पर्पस, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें फ्यूचर में भी काम आएंगी, तो इस वजह से मैं आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ के जो प्रूफ करवा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक पे भी लिखी हुई। इन प्रॉपर्टीज़ का हवाला जो है मैं आपको बुक का पेज नंबर 20 बता रहा हूँ कि पेज नंबर 20 पर ही आपके पास प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जी। तो सबसे पहले अब हम अपनी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के पहले सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है फॉर ऑल जी, Z1, Z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मेरे पास जो भी मैं इसमें Z, Z1 जो नंबर लूँगा वो सारे के सारे Z के नंबर जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे। फिर ये प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास है मॉडुलस। ठीक है, जिसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R का जो मॉडुलस होगा वो आपके पास क्या होगा, आपने फर्स्ट क्वान्टिटी का स्क्वायर करना है प्लस y, सेकेंड क्वांटिटी जो है y आपने उसका स्क्वायर करना है। तो ये मॉडुलस की डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो भी इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको मॉडुलस की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ कि मॉडुलस में हमारे पास अगर रियल हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम सिंपल उसके इमेजिनरी उसके रियल पार्ट को लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को लेंगे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को। यहाँ पर मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लेना। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि उसके साथ जो आयोटा है हमने वो नहीं लेना, तो हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का नंबर लेना है। वो जो नंबर होगा उसको स्केयर लेंगे और फिर उनका सम करेंगे और स्केयर रूट लेंगे, तो हमारे पास उनका मॉडुलस आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगराइज नंबर हैं कि जी आपने जी के साथ माइनस मल्टी माइनस लेना है, फिर आपने Z का सिंपल मॉडुलस लेना है और Z का माइनस करके फिर उसका मॉडुलस लेना है, फिर आपने Z का कॉन्जुगेट करके उसका मॉडुलस लेना है और Z के कॉन्जुगेट को फिर आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जब हम इन सब को देखेंगे तो इनके आंसर हमेशा इक्वल आएंगे। देन अब हम इसका प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने के लिए लेट कर लेते हैं खुद से कि Z इज इक्वल टू हमारे पास ए प्लस आयोटा बी एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी हम जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसमें ए और बी हम कोई ऐसे अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं जिनका हम स्केयर ले जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते होते हैं जी। अब बेटा मैंने जी को आपके साथ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डेट इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा बी, तो माइनस जी हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। आफ्टर डैट हम जी का कॉन्जुगेट करेंगे, जब हम z का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा a माइनस आयोटा बी, और फिर माइनस z को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट से तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा बी इंटू दिस वन। तो माइनस z कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा माइनस a प्लस आयोटा बी आपके पास आ जाएगा। अब हमने इनका बारी बारी हमने तैयारी कर ली, अपने नंबर्स डिफाइन कर लिए, अब हमने इनका बारी बारी जो है मॉडुलस लेना। तो मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक सबसे पहले सेकंड नंबर पे लिखा है जी का मॉडुलस। तो जी के मॉडुलस से क्या मुराद होगा कि मैंने उसके रियल कंपोनेंट प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर जो है उनका स्क्वायर रूट कर देना। तो रियल मेरे पास है डैट इज इक्वल टू ए, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस मैंने सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने इसका रियल पार्ट नहीं लेना है, तो इसका रियल पार्ट के अकॉर्डिंगली दिस वन आ जाएगा, सिर्फ बी आएगा। तो आफ्टर डेट सॉल्वेशन सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास इन्वॉल्व हो जाएगा।
तो ए और बी हमारे पास जनरल नंबर था तो ये मजीद सॉल्व नहीं होंगे, तो हमारे पास जी का मॉडुलस जो है वो आ गया, हमारे पास जो है वो यहाँ पे जी का जो मॉडुलस है वो आपके पास आता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर जी। तो इसको मैं आपके लिए यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि ये हमारे पास जी का मॉडुलस है। अब हम फर्दर मूव करते हैं माइनस जी के मॉडुलस पे, जो ये मेरे सामने एक्सप्रेशन लिखा है। तो मैंने माइनस जी और इसका मॉडुलस लिया, जब मैंने माइनस जी का मॉडुलस लिया तो माइनस जी के कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि जिसमें रियल पार्ट के साथ भी माइनस है और बी के साथ भी माइनस है, तो डैट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस इनटू माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो वन का ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस स्क्वायर। सो ये माइनस जी का मॉडुलस हमने फाइंड आउट कर लिया। और फिर नेक्स्ट मूविंग करते हैं तो हमारे पास जी के कॉन्जुगेट हम लेते हैं। जी का कॉन्जुगेट क्या था, जस्ट हमने कॉन्जुगेट उसके साइन चेंज करने हैं। तो जी के कॉन्जुगेट का जब मॉडुलस लेंगे तो उसका मॉडुलस हमारे पास होगा कि हमने जस्ट ए का स्क्वायर लेना है प्लस इंटू माइनस बी का स्क्वायर लेना है। तो जब हम स्क्वायर लेंगे विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी के कॉन्जुगेट का आपके पास मॉडुलस आ गया। राइट आफ्टर डैट अब हम अपने फोर्थ एंड लास्ट प्रूफ की तरफ जा रहे हैं कि डैट इज इक्वल टू जी के ऊपर बार है और फिर आप उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जस्ट इमेजिनरी वैल्यू रियल वैल्यू माइनस में आएगी और हमारे पास जो है बी के ऊपर स्क्वायर होगा। तो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस जी बार स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस सब में इस पॉइंट को जिसको मैं आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ इन सब में देख रहे हैं, तो इन सब का आंसर z के कॉन्जुगेट का आंसर डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, माइनस z का सॉरी z का मॉडुलस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, माइनस z का मॉडुलस भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, और फिर z का जो z बार का मॉडुलस है वो भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। तो और माइनस z के कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। सो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड कि हमने ये प्रूव कर लिया है कि माइनस जी का मॉड ले लें मॉडुलस ले लें या आप जी का मॉडुलस ले लें या आप पहले जी का कॉन्जुगेट कर दें या आप फिर मॉडुलस ले लें और फिर पहले जी का कॉन्जुगेट माइनस करके फिर मॉडुलस ले लें, बोथ द फॉर्म इन दोनों फॉर्म में आपके पास आंसर्स क्या कहेंगे इक्वल आएंगे फोर्थ केसेस में। तो ये था हमारा एक फर्स्ट प्रूफ, छोटा सा प्रूफ। सेकेंड वन हमारे पास बहुत छोटा सा प्रूफ है, इसको हम डबल कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। एक्चुअल में हम इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं डैट इज़ इक्वल टू जी। मैंने प्रूव ये करना है सेकंड प्रूफ में प्रॉपर्टी में कि अगर एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जी और कॉम्प्लेक्स नंबर जी का अगर मैं डबल कॉन्जुगेट करूँगा तो मेरे पास वही से दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब इस पर्पस के लिए मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास जो z है डैट इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब मैं वन टाइम इन पे कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द कॉन्जुगेट आपके पास जो रियल पार्ट है उसके साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, जस्ट इमेजिनरी साइन चेंज होता है। अब आप अगेन इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लें तो दोबारा दूसरी दफ़ा जब हम इसके पर कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट होगा वो इसी से रिलेटेड आएगा और जब हम डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो डैट इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी अगेन हमारे पास क्या होता है जी। तो ये हेंस हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैं डबल कॉन्जुगेट करूँगा तो मेरे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा जिस तरह आप इसमें से प्रूफ में देख सक रहे हैं जी। स्टूडेंट्स अब हम अपने थर्ड प्रूफ की तरफ जाते हैं और हमने थर्ड प्रूफ में एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये प्रूफ। ये है कि हमारे पास थर्ड वन प्रूफ है कि एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जी और सेकंड वन है जी का मॉड जी का कॉन्जुगेट। अब मैंने जी और जी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर में मुझे सिंपल जी के जो मॉडुलस का जो आंसर है
अब जानते हैं कि मॉडुलस स्क्वायर रूट के अंदर आता है, हम अगर उसका स्क्वायर कर लें, अगर हम उसका स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर करने के बाद जो जवाब आता है वो आपके पास इनका और इसका आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली विच इज़ इक्वल टू जी इंटू जी बार, तो जी हमारे पास है ए प्लस आयोटा बी और जी बार है ए माइनस आयोटा बी। अब हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो वी हैव ए इंटू ए ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में क्लोज करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इंटू बी स्क्वायर कर लें, आफ्टर डैट आप स्क्वायर को डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस वन आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आपके आपके पास जी इंटू जी बार, तो जी और जी बार का आपके पास जवाब क्या आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब हम जानते हैं कि जो जी का मॉड होता है सिंपली वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम z के मॉडुलस का जब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट a प्लस बी, तो डैट इज़ द ओवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड ये साबित हो गया है कि z इंटू z बार का जो आंसर है वो आपके पास z मॉडुलस z के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे तीन बेसिक प्रूफ हमारे पास। अब बाकी के जो प्रूफ्स हैं उसमें ये हमारे पास है डेट इज़ द उन प्रूफ्स में हमने ये देखना है, मैं हमको उनके प्रूफ्स की स्टेटमेंट बता रहा हूँ यहाँ पे इनको भी, अब यहाँ पर आपको प्रूफ तो करने आ गए होंगे जिस तरह मैंने भी करके दिखाए आपको, तो बहुत छोटे छोटे प्रूफ हैं। बाकी इनके प्रूफ के जो आंसर्स हैं आप अपनी पेज नंबर 20 और 21 पे भी देख सकते हैं, उसके ऊपर भी हैं। तो नेक्स्ट जो मेरे पास फोर्थ प्रूफ है मैं उनकी जो स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ वन है प्रूफ, फोर्थ वन प्रूफ के अकॉर्डिंगली मेरे पास है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और वो दोनों ऐड और उन पे कॉन्जुगेट है तो मैं उन पे कॉन्जुगेट को सेपरेट कर सकता हूँ, यानी कि मैं जी वन के ऊपर और जी टू के ऊपर क्या कर सकता हूँ अपना कॉन्जुगेट को सेपरेट कर लिया करूँगा। फिफ्थ वन मेरे पास प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास जी वन और जी टू ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये इनके ऊपर होल कॉन्जुगेट है तो मैं जी वन पे इलादा कॉन्जुगेट करूँगा और जी टू पे इलादा कॉन्जुगेट सेपरेट कर लूँगा। आफ्टर डैट सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी हमारे पास रिलेट करती है कि जी वन और जी टू हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हमने इनके ऊपर जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम इनके मॉडुलस को मॉडुलस के साथ इनको सेपरेट कर देंगे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप दूसरी तरीके से ऐसे देख लें कि मेरे पास जी वन और जी टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इनका मॉडुलस ले लिया तो इनके मॉडुलस का जो आंसर है वो वही आएगा जो जी वन के और जो जी वन के मॉड से आएगा और जी टू के मॉडुलस से आएगा। आफ्टर डैट मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके लिए मैं ये रेस करके आपको बता देता हूँ कि ये हम लोग इस थ्योरम को इस प्रॉपर्टी को कैसे देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है इन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी की, ये कहता है कि अगर आपके पास एक आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद आप उनके ऊपर मॉडुलस लें, जिस तरह हमने इसे फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी तो हमने उनको ऐड करने के बाद उनके ऊपर हमने कॉन्जुगेट लिया, यहाँ पर हम कॉन्जुगेट नहीं ले रहे हैं मॉडुलस ले रहे हैं, तो मॉडुलस लेंगे तो उनके जो मॉडुलस का आंसर है वो छोटा आएगा या बराबर आएगा उनके इंडिविजुअल मॉडुलस से के सम से, यानी कि मैं सबसे पहले z1 का मॉडुलस लूँ फिर z2 का मॉडुलस लूँ और फिर उनका सम करूँ तो उसका जो जवाब है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू z1 प्लस z2 के मॉड से, ठीक है। और अगर यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में जाएगी तो z1 और z2 को जब मैं माइनस करूँगा तो उनका आंसर छोटा हो जाएगा, या दूसरे अल्फाज में z1 प्लस z2 का आंसर जो है वो बड़ा हो जाएगा,
ठीक है, जीवन जी टू का जो आंसर है वो बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा किसके, जीवन माइनस जी टू के मोड के। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज थी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेडली। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के अंदर पेज नंबर 20 के ऊपर ये 7th प्रॉपर्टीज़ को देखा, जिसमें से चंद प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको प्रूफ करवाई हैं। तो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये आपके लिए हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ को आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको इनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है या एम्बिग्यूटी है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगी है और आपको अच्छा समझ आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।